हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक कंप्लीट मील लेकर आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने, इडली सांभर और चटनी की। तो जिस ट्रिक से मैं बनाती हूँ, टिप से, वो आप अगर फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सॉफ्ट इडली आपकी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए मैंने कितने सारे इडली बनाए हैं, इडली सांभर चटनी सब साथ में बनाया मैंने। बच्चे मेरे आए हुए हैं तो मैं बना ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी जो है वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगती है ये खाने में। और ये ट्रेडिशनल जो तरीका होता है ना इडली बनाने का, वही मैं शेयर कर रही हूँ चावल से और उड़द की दाल से। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये इडली। और मैं जो सांभर बनाती हूँ ना, वो इतने आसान तरीके से मैं बनाती हूँ कि आप देख करके बिलीव नहीं करेंगे कि इतना आसान है सांभर बनाना। बहुत ही जल्दी और झटपट से बन जाता है और इसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे जो सांभर लगते हैं ना हम लोग खाते हैं, उस प्रकार इसका स्वाद आता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस प्रकार मैं बनाती हूँ आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, बहुत यमी बनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं इडली सांभर और चटनी। तो इडली बनाने के लिए पहले हमें दाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने ना उड़द की दाल ली है। और ये आप मेजरमेंट के लिए मैं कटोरी दिखा रही हूँ, आप कटोरी से या फिर आप मेजरमेंट कप से नाप ले सकते हैं। तो जितना आपने दाल लिया है, मैंने एक कप लिया है दाल, उसके तीन गुना चावल आपको लगेगा। तो ये मैं दो कप चावल ले रही हूँ, अरवा चावल, और एक कप मैं उसना चावल लेती हूँ। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये दो कप अरवा चावल, एक कप उसना चावल और थोड़ा सा ये मेथी का दाना है, इसको डाला है मैंने। तो इन सबको अच्छे से हम धो लेंगे, पहले साफ़ कर लेंगे और धो करके इसको हम भिगो करके रख देंगे हम इसको, कम से कम 5 से 6 घंटे रख देंगे, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं भिगो करके। और दोनों को दोस्तों हम अलग भिगाएंगे, क्योंकि चावल को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है और उड़द की दाल जो है जल्दी मतलब ग्राइंड हो जाता है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग पीसेंगे, बाद में हम एक साथ मिलाएंगे। तो इसको मैंने रख दिया था रात में भिगो करके, और ये सुबह हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा कितने अच्छे से फूल गया है उड़द की दाल। तो इसको भी फिर से धो लिया है मैंने अगेन, और ये चावल भी देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो इन सबको ना अब हम पीस लेंगे। तो पहले चावल मैं पीसती हूँ, तो ये देखिए जितना चावल है उसका हाफ मैं एक बार में लूँगी। और इन सबको डाल करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इन सबको हम पीस लेंगे। तो ये पीस लिया है मैंने, और एक मैं बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और ये जो चावल बचे हुए हैं इसको भी मैं पीस लूँगी। तो पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके पीसते हैं हम लोग। तो ये भी हो गया देखिए, मतलब ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो फ्रेंड्स, अब दाल को भी हम पीस लेंगे। और इन सबको पीस करके ना रखना पड़ता है, कम से कम गर्मी का दिन है तो 8 घंटे हम रख देंगे पीस करके, ताकि ये अच्छे से इसमें खमीर आ जाए, फर्मेंट हो जाए। और अगर ठंड का मौसम है तो हम मतलब 20 से 22 घंटा लग जाता है इसको खमीर इसका होने में, तब इडली इसकी अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो इन सबको मिला करके हम रख देंगे 8 घंटे के लिए कम से कम। ये मैं सुबह में मतलब पीस रही थी, और शाम में मैं बनाऊँगी इडली, तो मैं सुबह में पीस करके रख ली थी इसको। तो ये मैं रख दे रही हूँ पीसने के लिए। और ये शाम हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं निकाल के देख रही कि तो ये फॉर्मेंट हो गया है, थोड़ा सा और अच्छे से होता तो बढ़िया रहता, बट फिर भी हो गया है ये देखिए। तो मैं इसको बनाऊंगी, तो इस ये रख देती हूँ मैं साइड में, और मैं चटनी की तैयारी करती हूँ। तो चलिए, चटनी की मैं रेसिपी पहले से डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने चना दाल लिया है, हरी मिर्च ली है थोड़ा सा, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा जीरा, और इसके अंदर बादाम, और थोड़ा सा नारियल डाल करके इन सबको भूंज करके और पानी डाल करके रख देंगे फूलने के लिए। और जब ये फूल जाए तो हम इसको पीस लेंगे, तो ये चटनी हमारी बन जाएगी। अब हम सांभर बनाएंगे, तो इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन चढ़ाया है, उसमें साबुत धनिया डाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, और आधा चम्मच मेथी डाला है, मेथी दाना, और 4 से 5 लाल सूखी मिर्च डाला मैंने। इन सबको हल्का भूंज लेंगे, और भूंज करके
इसका ना मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये सांभर का मसाला है, मैं खुद ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इसका मेन जो है सामग्री मेथी ज़रूर डालिएगा, और अगर आप चाहें तो आप बाज़ार का मिलता है सांभर मसाला वो भी आप यूज कर सकते हैं सांभर में, बट मैं ये खुद बना करके बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इन सबको ना डाल करके ये देखिए ग्राइंडर में मैंने पीस लिया है मसाले को सांभर का। तो चलिए अब सांभर बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैं ना 4-5 तरह की सब्जी डालती हूँ, आपके पास जो भी सब्जी हो आप यूज कीजिए। ये बैंगन लिया है मैंने, गाजर, टमाटर, एक प्याज और एक पपीता और थोड़े से कड़ी पत्ता। तो पपाया मैं ज़रूर डालती हूँ, पपीता बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है सांभर का। तो ये गाजर को मैंने छील करके और प्याज को, इन सबको अच्छे से छील करके धो करके हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये गाजर को भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो जो सब्जियां अच्छी लगती हैं आप डाल सकते हैं, और ये मैं पपीता भी डालूंगी। तो पपीता आधा ही डाला है मैंने, आधा से भी कम ही डाला है। तो इन सबको अच्छे से छील करके और एकदम पतले पतले कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ दोस्तों, आप ज़रूर देखिए इसे और आप इस प्रकार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सांभर बनाने के लिए। तो ये मैंने हरी मिर्च, ये गाजर, टमाटर, कड़ी पत्ता, थोड़े से बैंगन और पपीता और प्याज लिया है, इन सबको हम डालेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने अरहर दाल लिया है, 100 ग्राम के करीब है ये। तो ये अरहर दाल से ही मैं बनाती हूँ। तो इन सबको डाल करके हम अच्छे से धो लेंगे पहले, और धो करके हम कुकर में इसको डाल लेंगे। तो जितना अरहर दाल लिया है मैंने उसके 8 गुना पानी लगता है पूरा टोटल प्रोसेस तैयार करने में। तो अभी हम हाफ डालेंगे, आधा मतलब डालेंगे। तो 4 जैसे 1 कप या 1 कटोरी आपने लिया है तो 4 कटोरी आप पानी डालिए। तो ये 4 जो है इससे मैं मेजरमेंट कप से ली थी, 4 कप मैं पानी डाल रही हूँ, 1 कप डाल लिया था मैंने। तो इन सबको डाल करके और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे, ये थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, और इन सबको ना बंद करके 4 से 5 विशिल आने तक हम कुक कर लेंगे पहले। तो ये इस तरह से ना 4 विशिल आ गया था तब मैं ये देख रही हूँ खोल करके। तो ये देखिए ये दाल जो है पक गई है बहुत अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो मैंने सब्जी वगैरह काट के रखी है ना वो अब इसमें हम डालेंगे। और सब्जी वगैरह को मैं कुछ भूंजती नहीं हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बनती है, आप यकीन मानिए इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भूंजना नहीं है इन सबको, एक बार आप इस तरह से बनाइए तो सारे तरीके आप भूल जाएंगे, और बहुत ही झटपट से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये सांभर। तो ये बैंगन को डाल दिया मैंने कट कर जो रखा था, और ये पपीता, कुछ भूनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और ये प्याज, ये टमाटर, कड़ी पत्ता, गाजर, इन सबको इसमें डाल दिया मैंने। और अब हम इसमें 4 कप और पानी डालेंगे। और ये जो है ना इमली मैंने फुला के रखा था, भिगो के रख दिया था 1 घंटे पहले, गर्म पानी में डाल दिया था मैंने। तो ये जल्दी से मतलब फूल जाता है, अगर आप चाहें तो इसको 4-5 घंटे पहले भिगो के रख सकते हैं नॉर्मल पानी में, और अगर बहुत जल्दी है तो आप इमली को गर्म पानी में डाल के रखिएगा, 1 घंटे में फूल जाता है अच्छे से। और अगर आप चाहें तो इमली के जगह पर नींबू भी डाल सकते थे, तो मैं बस नींबू डाल करके ही इमली डाल के ही बना रही हूँ। और ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना जो भूंज करके, उसको हम इसमें 1.5 चम्मच डालेंगे। तो ये मेन मसाला है सांभर का, बहुत ज़रूरी है, ये डालिएगा ज़रूर। और दोस्तों अब हम 4 कप और पानी डालेंगे इसमें, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसमें हम ये देख रही हूँ मैं, ये देखिए, तो इसमें 1 कप और पानी हम डालेंगे। तो ये 4 कप पानी अभी डाला मैंने और 4 कप पहले डाला था। तो 1 कप दाल के लिए मतलब 1:8 का रेशियो से आप करेंगे तो बहुत अच्छी बनती है सांभर। तो इन सबको डाल करके इसमें अब फिर से नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक पहले भी हमने डाला है तो इसमें अब हम कम ही डालेंगे।
क्योंकि अभी सब सारी सब्जियां हमने ऐड की, तो सब्जी में इसके अंदर हमें नमक डालना होगा थोड़ा। और अब हम इन सबको दो विसल लगा लेंगे फिर से। और ये देखिए दो विसल मैंने लगाया फिर से, और ये ठंडा मतलब अभी गर्म ही था, तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, देख रहे हैं ना आप, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इन सबको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तो इडली बनाने के पहले चटनी और सांभर आपको तैयार जरूर करना पड़ेगा, तभी इडली मज़ा आता है खाने में। तो इसके लिए मैंने ना पैन चढ़ाया है, तड़का पैन, और हम सांभर में तड़का लगा लेंगे। और चटनी जो मैंने भून के रखा था ना, उसको भी मैंने पीस के रख लिया है, तो उसमें भी लगाएंगे। तो पहले हम सांभर में तड़का लगाएंगे। तो ये मैंने इसमें ना दो हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा मैंने सरसों डाला है, राई, और इन सबको डाल करके हम सांभर में तड़का लगा लेंगे। और फिर से मैं पैन गरम कर रही थी, इसमें मैं जो दाल की चटनी बनाई थी मैंने ना पीस के रखा हुआ है मैंने, तो उसमें भी हम तड़का लगाएंगे। तो उसमें भी सेम प्रोसेस, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और सरसों डाल करके हम इसको में भी तड़का लगा लेंगे। ये देखिए चटनी पर भी मैंने लगा लिया, ये कैमरा में ठीक से सेट नहीं कर पाई थी तो ठीक से दिख नहीं रहा था। तो ये चटनी बन गई है और ये हमारा सांभर बन करके तैयार है। तड़का लगाया मैंने अभी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल बाजार जैसी सांभर। सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे हाथों की इडली और चटनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो चलिए अब इडली बनाते हैं, सांभर चटनी तो बन गई, इडली हम बनाते हैं अब। तो इसके लिए मैं ना इस ये जो पीस कर रखा है बैटर, इसमें थोड़ा सा नमक हम डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा मतलब अगर गाढ़ा है ये ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो ये मुझे ठीक लग रहा था तो मैं इसमें पानी अब ऐड नहीं की। और इन सबको ना मैं इडली स्टैंड में बनाऊँगी, तो दो तरीके से मैं बताऊंगी। ये एक इडली स्टैंड है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे, और ये इडली स्टैंड में ना पानी डाल देंगे नीचे में, और इसमें नींबू डाल देती हूँ मैं ताकि ये काला नहीं पड़े इडली स्टैंड, तो नींबू नहीं डालने से ना काला पड़ जाता है नीचे में। इन सबको हम इसमें डाल देंगे। तो ये हो गया, इन सबको हम चढ़ा करके गैस के ऊपर चढ़ा देंगे इसको। और मैं ना एक और तरीके से बता रही हूँ आपको। पहले मैं बनाती थी, जब मैं इडली स्टैंड नहीं ली थी तो कुकर में बनाती थी मैं, इस तरह से कुकर में पानी डाल देंगे और सेम प्रोसेस इसमें भी हम नींबू डालेंगे। और ये इस तरह का स्टैंड मिलता है मार्केट में, इडली स्टैंड केवल, तो ये कुकर में डाल के बनाया जाता है, तो इसमें भी हम सेम इसी तरह से। और जब हम कुकर में बनाएंगे तो इसकी ना सीटी और इसका जो है रबड़ दोनों हम निकाल देंगे, तब हम बनाएंगे। और इसमें भी हम नींबू इस तरह से डाल देंगे ताकि ये कुकर काला नहीं पड़े। तो सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, जिस तरह का जिस प्रकार इडली स्टैंड में हम लोग तेल डाल करके ग्रीस किया, उस तरह इसमें भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके सरसों तेल, और उसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसके अंदर ये जो इडली की बैटर है उसको हम इसमें डालेंगे। तो पूरा ऊपर तक नहीं डालना है दोस्तों, थोड़ा कम ही हम डालेंगे ताकि जब ये फूलेगी तो उसके लिए मतलब इसका जगह चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा कम हम इसमें भरते जाएंगे। तो आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार का जो छोटा सा ये आता है कुकर में डालकर बनाने वाला, इसमें भी आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें भी बनता है। पहले मैं इसी में बनाया करती थी, फिर मैंने इडली का जो वो स्टैंड ले लिया, तो अब मैं इसमें बहुत कम बनाती हूँ, बट मैं दिखाने के लिए मैं इसमें भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम इसमें भी डाल लेंगे और इसका हम लगा करके कुकर में हम इसको डाल देंगे।
और इसको ना कुक होने में ना कम से कम 12 से 14 मिनट लग जाते हैं एक बैच को निकलने में। मीडियम फ्लेम पर रख करके हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए मैं इसमें जो चढ़ाई थी ना ये हो गया है। ये देखिए इन सबको हम निकाल लेंगे और जब निकाल करके थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसको डिमोल्ड करेंगे, खूब गर्म में नहीं करेंगे। तो हल्का सा ये ठंडा हो गया था तो मैं निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने डिमोल्ड कर लिया सारे इडली को और ये मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। हमारी इडली सांभर और चटनी बन करके तैयार है। तो दोस्तों ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सांभर देखने में, और दोस्तों देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये चटनी, तो चटनी सांभर के बिना इडली तो अधूरा है। तो ये दोनों, और मेरे बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया उन दोनों ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। ज़रूर आप ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स जिस ट्रिप एंड ट्रिक से मैं बनाई हूँ उस तरीके से आप भी अगर बनाएंगे तो आपकी इडली सॉफ्ट बनेगी। यानी कि जब आप दाल लेंगे जितना, तो जितना आपने दाल लिया है उसके 3 गुना आप चावल लीजिए, और चावल को आप धो करके अच्छे से, दाल को आप अलग अलग भिगो करके रख दीजिए कम से कम 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट रख दीजिए। और उसके बाद जब उसको पीस लेंगे तो पीसने के बाद आप एक साथ मिक्स करके आप रख सकते हैं, और उसको पीसने के बाद आप कम से कम, गर्मी का मौसम है तो आप कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे रखिए, और ठंड के मौसम में अगर आप बना रही हैं तो 20 से 22 घंटे आप रख दीजिए उसको फर्मेंट होने के लिए, खमीर उसमें आने के लिए, तब जाकर के हमारी इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। और जो सांभर का मसाला मैंने तैयार किया वो आप सांभर का मसाला आप बना करके डालिएगा तो बहुत ही ज़्यादा सांभर जो है टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इसे बनाइए, और आप एक बार में बना करके मसाला ज़्यादा भी रख सकते हैं, जब भी इच्छा हो आप बनाइए उस तरह का। तो इस तरह से ये देखिए प्लेटिंग कर दिया मैंने, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है ये। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों इडली सांभर और चटनी, और आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।